हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने, देखिए ये मैंने पहले भी दिखाए थे, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, कोचिया प्लांट हैं। और ये भी अब इनको मैं उखाड़ करके इनके कलर, इनके जो सीड्स हैं, ये देखिए ये सीड्स हैं इसके, ये वाले ये बहुत नन्हे सीड होते हैं इसके। मैंने ये सारे सीड, ये देखिए इसमें पहले वालों के मैंने सारे सीड कलेक्ट कर लिए हैं और इनको सेव करके रख दिया है। और ये भी मैं अब सारे उखाड़ करके इनको भी मैं कलेक्ट कर लूँगी। और ये वाला अभी पका नहीं है क्योंकि इसका कलर भी चेंज है, पिंक कलर का होता है, क्योंकि धूप जब कम हो जाती है और धूप की वजह से इनको ज़्यादा देर में पकते हैं। आजकल गर्मी मतलब कम है और धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो पकने के लिए सीड को टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये तो पकता रहेगा जब भी पकेगा। और मैंने जो ये ब्राउन, बिल्कुल मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि जब पक जाते हैं तो ऐसे ब्राउन कलर के प्लांट हो जाते हैं, जैसे ये हो रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाता है जब ये हार्वेस्ट करने के लायक हो जाता है। और ये है ये ग्रीन, अभी ये पका नहीं है, इसमें कम से कम इसको अभी महीना या 15 दिन तो लग ही जाएंगे इसको पूरा तैयार होने में। तो ये सारे सीड मैंने इसमें पॉलीथीन में करके रख लिए हैं, ये देखिए। और मैं इनको इसमें मैंने थोड़ा सा राख मिला रखी है और मिट्टी भी और थोड़ा सा रेत भी, मतलब मिट्टी नहीं बस रेत है, सैंड और राख मिला रखी है। वैसे अगर पूरी राख ही मिलाकर रखें तो ज़्यादा दिन सेव रहते हैं और इसमें फंगस नहीं लगता और ये पूरे साल तक अच्छे प्रिजर्व रखे रहते हैं। और इस तरीके से ही मैं आपको और सीड्स दिखाऊंगी कुछ और। फ्रेंड्स, ये देखिए ये है छुई मुई, जो हाथ लगाने से ही देखिए मुरझा जाती है एकदम। ये मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, आज मैं इसकी अपडेट दिखा रही हूँ। पहले ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से थे, इनका भी कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाता है जब ये पक जाते हैं। ये सारे इसके गुच्छे के गुच्छे सीड्स आते हैं, ये देखिए। और ये देखिए अब अपने आप ही गिर रहे हैं। ये मैंने इसको बस आपको दिखाने के लिए रखा था कि मैं इसको कलेक्ट करूंगी आपके सामने। तो ये हैं छुई मुई के बीज। अगर ये आपके घर में पौधा है तो आप इस तरीके से इनको कलेक्ट कर लें और इनकी देख रेख करती रहें, क्योंकि ये खुद ही गिर जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब गिर गए। कुछ बीज मैंने नीचे से ही उठाए हैं क्योंकि, और कुछ गमले में भी इधर उधर गिर जाते हैं। और ये देखिए ये मैंने सारे ऐसे ही कलेक्ट कर लिए सारे सीड्स, और मैं इनको अब थोड़ा सा धूप लगा करके और राख डाल करके इनको, मैं वो राख कहती हूँ लकड़ी की जो राख होती है, उपले की लकड़ी की, वुड ऐश जिसको इंग्लिश में वुड ऐश कहते हैं, इस तरीके से मैं इसको सबको सेव करके और इनको रख लूँगी। मुझे सीड भी मेरे घर के हो जाएंगे और एक विश्वसनीय होंगे, पता नहीं ऑनलाइन मंगाएं तो कैसे होते हैं। ये देखिए ये सारे सीड मैं इनको मैंने ये सारे कलेक्ट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, जब सीड आते हैं प्लांट के ऊपर तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो उसकी जो लीव्स हैं वो अपने आप ही झड़ जाती हैं कुछ समय के बाद। देखिए अब मेरे सारे इस पर छुई मुई पर एक भी, ये हैं थोड़े बहुत लीव्स बस, ये भी अपने आप झड़ जाएंगी फरवरी मार्च तक, फिर ये दोबारा से ग्रो करेगा और ये सारी सिर्फ टहनियाँ ही बच जाएंगी। तो उसके बाद फिर दोबारा से लीव्स आएंगी और फिर इसका प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे कि लीव्स आएंगी, फिर फ्लावर्स आएंगे और फिर उसके बाद सीड आएंगे। तो देखिए ये ज़िंदगी का प्रोसेस भी इसी तरीके से चलता है, पहले बच्चा, फिर बड़ा, फिर थोड़ा ओल्ड में जाता है, फिर बिल्कुल ओल्ड हो जाता है और मैच्योर होके फिर वो एकदम से अपना जीवन का चक्र ख़त्म हो जाता है। तो प्रकृति से भी हमें फ्रेंड्स बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम ध्यान से देखें और थोड़ा सा मनन करें और चिंतन करें तो हमें बहुत कुछ प्रकृति से ही सीखने को मिल जाता है। तो हमारी लाइफ भी ठीक इसी प्रकार होती है, पहले न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर पढ़ता लिखता है, फिर जवान हो जाता है यंग एज में आकर, उसके बाद 40-35 साल में वो कमाने दमाने लगता है और फिर 40
45 50 साल में वो ऐसे ही करते करते अपनी अपना जीवन निर्वाह करते हुए फिर वो ओल्ड एज में जा कर के फिर जिसकी जितनी आयु होती है वो उतनी उसको पार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सीड आपको दिखाए और मैंने कुछ और भी आपको बताया। तो प्लीज़ ये जो जानकारी आपको अच्छी लगे, और अभी मैं आपको ये देखिए मेरी जो ये मिर्च हैं ये कितनी सुंदर हुई है, रेड कलर की, बड़ा प्यारी लग रही हैं। ये देखिए 3-4 मिर्च मैंने ये आपको पहले भी दिखाई थी और अब कितना सुंदर कलर हो गया है इनका। और ये छोटा सा ही प्लांट है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इस पर मिर्च लगी पड़ी है। तो अब मैं ये पक गई हैं, अब इनको मैं तोड़ लूँगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। तोड़ने का भी मन नहीं होता, पर जो खुशी अपना प्लांट लगाकर उसमें फल आने में होती है वो कहीं और नहीं होती। और ये देखिए ये आलू भी मेरा ग्रो कर गया है, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और जितने भी मैंने आलू लगाए थे वो सब ग्रो हो गए हैं। ये देखिए ये भी आलू मेरे सारे ग्रो हो गए हैं, जो भी मैंने पॉलीथीन में लगाए थे। और जो अभी उसमें थोड़े से डब्बे में लगा रखे हैं, यानी जो गत्ते के डब्बे में लगाए हैं, वो अभी थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से खुशी गेन करते रहिए और अपनी गार्डनिंग को जारी रखिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, और मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।